बिहार के हाजीपुर से खबर आ रही है। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान आज हाजीपुर के सुल्तानपुर में दिवंगत वीरेंद्र पासवान के परिजनों से मिलने के लिए आधी रात को यहां पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। नेशनल टीवी बिहार से खास बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि वीरेंद्र पासवान के परिवार को जिस तरीके से सड़क दुर्घटना में मौत हुई, ऐसे में उनके परिवार को सरकार द्वारा मुआवजा मिलना चाहिए था। वहीं जैसे ही चिराग का हाजीपुर के सुल्तानपुर में इंटरव्यू हुई, उनके समर्थकों ने चिराग पासवान जिंदाबाद के जम के नारे लगाए। वहीं चिराग पासवान ने हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उनका काफिला वीरेंद्र पासवान के परिजनों के यहाँ जाकर रुकी। उनके परिवार से मुलाकात कर तुरंत पटना के लिए वे रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने नेशनल टीवी बिहार से खास बातचीत में कि इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में चारों खाने चीत हो जाएगी और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। तो बड़ी खबर नेशनल टीवी बिहार पे हाजीपुर से हम आपको दिखा रहे हैं।